आप सभी से निवेदन है कि लाइन में चलिए, बहुत सुंदर दिखेगा। हम भी ट्रैफिक को परेशान न करें, ट्रैफिक हमको परेशान न करे। कृपया एक लाइन पे चलिए, आप लोग सब रोड साइड में चल रहे हैं, एक तरफ आ जाइए कृपया। सबसे निवेदन है एक तरफ चलिए कृपया, हम ट्रैफिक को परेशान नहीं करेंगे। ट्रैफिक
स्वागत करते हैं। चलिए आइए पंडित जी बहुत है, एक्स्ट्रा भी आ गया। नहीं थोड़ा साइड हो जाओ, नीचे वाला जय सतगुरु महाराज की, जय भागवत जी का की, जय भागवत जी महाराज की। भाइयों वैसा पीछे है, बैक सपोर्ट पीछे है। पुराण पुरुषोत्तमायजलि समर्पया। साइड से बैठो, उसको देखने दो। नारायण और फिर अपराह्न में 3:30 बजे से 6 बजे तक जो नित्य का क्रम है, दोपहर के बाद उस समय फिर हम लोग कथा करेंगे, अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण का स्वभाव है, तापत्रय विनाशाय, ये उनका स्वभाव। पहले उनका स्वरूप बताया गया, फिर उनका प्रभाव बताया गया, फिर उनका स्वभाव बताया गया। ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। ये मंगलाचरण में भगवान का स्मरण, उसके बाद गुरु का स्मरण, और गुरु के रूप में यहाँ पर स्मरण किया गया है श्री सुखदेव जी महाराज का। बड़ा सुंदर श्लोक है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
महर्षि व्यास कहते हैं ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। कैसे सुखदेव जी महाराज? यम प्रव्रजंतम संन्यस्त गच्छंतम। सुखदेव जी महाराज ऐसे विरक्त महापुरुष हैं जो जन्म लेते ही माता के गर्भ से प्रकट होते ही जंगल के लिए भाग गए। आप कहेंगे महाराज जन्म लेते बच्चे भाग भी कैसे सकता है? छोटा बच्चा बोले सुखदेव जी महाराज तो 12 वर्ष में जन्म लिए, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में ही रहे। 12 वर्ष जब जन्म नहीं ले रहे थे, माँ को अत्यंत पीड़ा होने लग गई। माँ ने व्यास जी से कहा ये कौन सा बालक है जन्म नहीं ले रहा है? व्यास जी ने कहा भाई प्रकट हो जाओ। सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं भगवान की माया लग जाएगी, यहाँ भजन हो रहा है, गर्भ में भजन हो रहा है भगवान का, बालक ने जवाब दिया। व्यास जी ने कहा नहीं माया नहीं लगेगी। सुखदेव जी ने कहा आपके कहने से नहीं मानूंगा, द्वारकाधीश भगवान स्वयं आके कहें कि माया नहीं लगेगी तो मानूंगा। द्वारकाधीश भगवान ने वचन दिया। तब सुखदेव जी 12 वर्ष की अवस्था में माँ के गर्भ से प्रकट हुए और बिना किसी से मिले, बिना कोई कर्म किए, नालत छेदन भी नहीं हुआ, नाल को कंधे में डाल करके जंगल की ओर भाग गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। व्यास जी महाराज पीछे पीछे भागे, बेटा 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 बेटा। सुखदेव जी महाराज लौट के नहीं आते, क्यों? उनको लगता है ये जो व्यवहारिक ममता है, मोह है, ये लग जाएगा मेरे जीवन, नहीं आए। ऐसे सुखदेव जी महाराज जब इधर से बेटा बेटा कहा जा रहा था, सामने से आवाज आ रही थी बेटा बेटा, मानो सुखदेव जी व्यास जी से कह रहे हैं पिताजी इस जन्म में मैं आपका बेटा हूं, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में आप मेरे बेटे रहे हो। ये तो व्यवहारिक क्रम चलता ही रहता है, कौन किसका बेटा कौन किसका पिता, ये व्यवहारिकता है, व्यवहार में है, परमार्थ में कुछ नहीं है। जंगल को चले गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज सभी वक्ताओं के हृदय में विराजमान हुए और श्रोताओं का ज्ञान दूर करें। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से मंगलाचरण पूरा हुआ और शेष कथा का हम लोग प्रारंभ अब सायंकाल करेंगे 3:30 बजे से। 3:30 बजे ठीक यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है और 6 बजे तक कथा चलेगी। अभी आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें और 3:15 यहाँ हनुमान चालीसा प्रारंभ हो जाएगा। 3:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। थोड़ा भगवान का संकीर्तन करें, उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी और ठीक 3:15 बजे यहाँ भजन शुरू हो जाएंगे। 3:30 से कथा होगी। बोले द्वारकाधीश भगवान की, बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री। अरे के लिए किसी को कुछ भी जिसके भाव में आवे, आज गोपाष्टमी का दिन है, गो माता की सेवा कर सकते हैं। चलो आ जाओ गुरुजी, आप भी आ जाओ। मैं तो हां लक्ष्मी दगात में छुट बाजा मलाम में सामलक्ष्मी मासियाम में हम भूति मासम भूषा सर्वान में रोम में यहाँ संबंध स्वाराम उत्त पुष्टा करी श्रीमी श्रीम सर्व भूता नाम काम यो पहुए सी हम मनोदक काम वा कुर्तिम वाचस प्रभु नाम रूपन से मई श्री हृदय नगा कर दबे न प्रजा भूता मई संभव कर दमा सीम वाते में कुले मात आपस संत गाली की क्रीत अपने के नित देवी मातर सिंह मास है पूर्वे आपरा पुष्करणी पुष्टि पिंगलाम चंद्रा भोले लक्ष्मी जात में दो मावा राम लक्ष्मी में स्थित दुर्णा में मालिन पूजा जात में दो मावा ताप मावा जात में दो उपगामनी मर्चा मिरण प्रभुतिं गाओगा ओम मराजा विद्वान तमुच्यता ओम गो माता ओम बहुलाय नमः। इदा ग्रंथाक्ष चतुष्पाद समर्पयामि ओम संगमाय नमः।
ओम भूयस्य नमः एतान् गन्धाक्षतुत्पाणं समर्पयामि ॐ सदा श्रोत्राद्वाय यश प्राणस्य मुक्तग्निर्जायताय भगुहवेः प्रजननम्ये सुदतवि रघुपतये आत्मधनि प्रजाधनि पशुशनि लोकधन्यभयधनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नम् भगवान की जय।
अब एक बधाई होगी भगवान श्री राम के जन्म की, आप लोग उसका आनंद लेंगे। Yeah.
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 Oh,